तो आज की मेरी टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। डे टू क्लासेज आपका हो गया, और ये जो प्रीवियस क्लास मैंने आयोटा, आई जो सिंबल है मैं आई करके बोलूँगा, लेकिन उसको आयोटा बोला जाता है। तो मैथमेटिक्स की शॉर्टकट वाला हिसाब किताब में चलता है, इसीलिए आयोटा को मैं सिंपली आई से रिप्रेजेंट करूँगा। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पिछले क्लासेस के सारे रिजल्ट्स हैं, और इस रिजल्ट पर ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं डिटेल्स में जाने के लिए। अब आई के बारे में अगर आप जान जाते हैं, तो कहता है कि एक बार आप आई के बारे में जैसे आप जान जाते हो, तो उस केस में आई से रिलेटेड कोई भी नंबर को आप इमेजिनरी नंबर कहते हो। जैसे मान लो कहीं पे भी अगर आपको लिखा हुआ है √-3, आप इसको इस तरीके से अगर आपको लिखते हो 3 × −1, और इसको फिर आप लिखते हो 3 × i², क्योंकि i² का वैल्यू -1 होता है, और इसको फिर फर्दर आगे आके आप √3i लिखते हो। इस √3i को आपको बोलना है दिस इज योर इमेजिनरी नंबर, या इसी को इमेजिनरी क्वांटिटी भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब आइए अब हम लोग बात करते हैं इमेजिनरी नंबर के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है उसके डिफिनेशन की बात आज हम लोग क्लास में करते हैं। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपली डिफाइन करते हैं। जैसे सपोज करो रियल नंबर आपने नेचुरल नंबर सपोज करो आपने पढ़ा है, तो नेचुरल नंबर का एक डिफिनेशन है, होल नंबर आपने पढ़ा है उसका एक डिफिनेशन है। तो वैसे ही क्या होगा, एक नंबर हम इंट्रोड्यूस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका सिंपली हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे कि भाई कोई भी नंबर को आप कब आप बोलोगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कैसे उसको रिप्रेजेंट करोगे। जैसे नेचुरल नंबर को कब आप नेचुरल नंबर बोलते हो, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हो, नेचुरल नंबर में क्या क्या मेंबर हो सकता है, इस तरह की बात हम लोग करते हैं। तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करेंगे कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। चलिए उसके डिफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। उसके डिफिनेशन के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा और एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है उसके बारे में आपको ब्रीफ कर देता हूँ, जो आई पर बेस्ड है आपका। इसको दिमाग में आप लोग को रखना है एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में। जैसे छोटे क्लासेज में आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा, एक रिजल्ट वहाँ पर आता है आपको कि लाइक √a × √b इज इक्वल टू √ over ab। ठीक है, छोटे क्लासेस में ये रिजल्ट आप लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई ये रिजल्ट क्या हमेशा सही होता है या कभी गलत भी हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स के आधार पर इस पर डिस्कस करेंगे कि भाई कहाँ पे ये रिजल्ट मेरा सही है या कहीं फॉल्स होने की भी संभावना है। इसको ध्यान से आप लोग को सुनना है। लाइक मान लो हमको मिल गया √4 × √9, आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। LHS कहता है कि √4 × 9 को आप मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 2 × 3। तो सोचो क्या हो गया, 2 आपका 4 का स्क्वायर रूट आ गया और 3 9 का स्क्वायर रूट आ गया, तो ये 6 हो गया। अब चलो अब ये रूल के अकॉर्डिंग अगर तुम आओगे तो RHS में तुमको रूल के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो √ over ab। तो √ over ab होने का मतलब क्या हो गया, 4 × 9 आ जाएगा। तो 4 × 9 अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो ये 36 आ जाएगा और इसका वैल्यू 6 आ जाएगा। तो आपने कि यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ ऑब्जर्व किया कि LHS और RHS दोनों वैल्यू आपको आपस में बराबर मिल गई। तो दोनों वैल्यू अगर आपको आपस में बराबर मिल गया तो उस केस में यहाँ पे ये रिजल्ट आपका ट्रू हो गया, जो आपने रिजल्ट लिखा है यहाँ पे। अब मैं लिखता हूँ लेफ्ट साइड में कि चलो यहाँ पे मेरा ये रिजल्ट ट्रू है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग। तो ये ट्रू हमारा जो रिजल्ट हुआ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं किस केस में हुआ। तो आप नंबर के नेचर को देखिए, 4 और 9, ये जो दोनों नंबर आपका है, ये दोनों नंबर के बारे में आप देख रहे होंगे, ये दोनों नंबर का नेचर कैसा है, तो दोनों नंबर आपका पॉजिटिव नंबर है। क्लियर है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ए और बी जो दो नंबर मैंने चुना है, ये दोनों मैंने पॉजिटिव नंबर चुना है। यहाँ आप कह सकते हो कि ये रिजल्ट आपको ट्रू है कब, वेन जब मेरा ए और बी ये दोनों मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम एक और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में सपोज करो मेरा ए के बदले में -4 हो गया, एंड फिर हम लोग चले जाते हैं बी, तो बी के बदले में सपोज करो अब मेरा 9 हो गया। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि क्या इस केस में मेरा रिजल्ट ट्रू हो रहा है या नहीं। तो LHS जैसे दिया हुआ है उसी तरीके से आप LHS में रख के आपको सॉल्व करना है। तो LHS कहता है √ over a मतलब √ over −4 √ over b मतलब √ over 9। तो सोचो √ over −4 का वैल्यू क्या होगा, जस्ट ऊपर वाला एग्जाम्पल एक चेक कर लो, √ over −3, मैं उसको ग्रीन से हाईलाइट कर दे रहा हूँ,
यहाँ पे जो रूट ओवर आपने -3 जो आपने ये सॉल्व किया है उसका वैल्यू मैंने क्या लिखा है, उसी चीज़ को हम लोग डायरेक्टली यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि तो बार बार इस चीज़ को अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इतना आप समझ गए होंगे कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो वैसे ही रूट ओवर अगर -4 लिखा हुआ है तो क्विकली आप उसको लिख सकते हो कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा कितना जी, तो रूट ओवर 4 का पहले माइनस साइन को अगर हटाओगे तो ये आई स्क्वायर से कन्वर्ट होगा, आई स्क्वायर बाहर में आके आपको क्या मिल जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा कुछ रूट ओवर 4 इंटू आपका क्या बन जाएगा जी, तो ये आपको आई आ जाएगा, ठीक है। और फिर आप अगर आगे बढ़ोगे तो ये रूट ओवर 9 मतलब आपका ये 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से रूट ओवर 4 को भी हम डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं क्या, इसको हम 2 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू आई इंटू 3 मतलब ये क्या हो गया, तो ये आपका आ जा रहा है आपको कितना, तो 6 आई बोल के आपको आ जा रहा है, ठीक है। तो 6 आई ये वैल्यू आपको आ रहा है। अब चलो अब हम लोग आ जाते हैं RHS में। अगर सपोज करो ये हम अगर इस रूल को लेकर चलते हैं रूट ओवर ए इंटू बी इज इक्वल टू रूट ए बी, तो रूट ए बी करने का मतलब क्या हो जाएगा, -4 इंटू 9 ऐसे कर देना आपको रूट के अंदर, चलो मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया -36। अब चलो इसको क्या लिखोगे, तो जस्ट ऊपर वाला फिर ये निगेटिव वाला कैसे हटाओगे, तो 36 -1 को आई स्क्वायर लिख लो, और 36 का ये आपको 6 आ गया और यहाँ पे आपको आई आ गया। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो यहाँ भी आपको LHS और RHS दोनों आपको आपस में इक्वल हो गया, तो यहाँ पर भी रिजल्ट आपको ट्रू हो गया। तो ये रिजल्ट ट्रू कैसे होगा, सपोज करो ए के बदले में अगर हम -4 लिए हैं तो आप ए को +4 और बी को -9 लेके भी ये रिजल्ट चेक कर सकते हो खुद से, उसमें भी LHS RHS तुमको सेम टू सेम आएगा। तो मतलब आइदर ए और बी कोई एक नंबर अगर आपका निगेटिव होता है, मतलब यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि ये रिजल्ट ट्रू हो सकता है व्हेन अगर ए मेरा सपोज करो पॉजिटिव है और बी निगेटिव है, एक केस ऐसा बना लो, या ए अगर आपने निगेटिव ले लिया और बी पॉजिटिव ले लिया ऐसा बना लो, तो दोनों केस में मेरा रिजल्ट ट्रू होगा। मतलब ए और बी जो दो नंबर आप चुन रहे हैं उस दोनों में से कोई एक नंबर अगर आप निगेटिव ले लीजिएगा तो उससे इस रिजल्ट के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। रूट ओवर ए बी जो होगा हमारा उसका वैल्यू रूट ए इंटू रूट बी के बराबर होगा, ये कंडीशन एक यहाँ पर भी हमको ट्रू मिला। अब चलो देखो अगर नंबर में अगर हम साइन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो दोनों नंबर को एक बार हम पॉजिटिव ले लिए, उसमें से एक नंबर एक बार क्या किए, एक नंबर एक बार हम लोग जो है सो निगेटिव ले लिए। अब एक तीसरा केस हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपके मन में आएगा क्या ले सकते हैं, एक तीसरा केस तुम लोग ले लो जिसमें ए और बी दोनों को अब निगेटिव मान। देखो पहले दोनों को हम पॉजिटिव लिए हैं, सेकंड वाले एग्जाम्पल में क्या बोले हैं, कोई एक को पॉजिटिव लो दूसरे को निगेटिव लो, और एग्जाम्पल थर्ड में आ जाओ इसमें क्या करो दोनों को निगेटिव ले लो, लाइक ए का वैल्यू आप -4 ले लो एंड बी का वैल्यू आप -9 ले लो। अब चलो LHS सॉल्व करो, LHS का आता है रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर बी मतलब रूट ओवर -4 इंटू रूट ओवर -9। अब चलो अब इसको अगर आप चलोगे तो क्या लिखोगे भाई, रूट ओवर -4 को कोई भी विद्यार्थी 4 के लिए वो 2 लिख लेगा, और -1 सबको पता है रूट ओवर -1 को क्या लिख लेगा, आई लिख लेगा, है ना। फिर चले आओ इंटू, फिर चले आओ 9 को कोई 3 लिख लेगा, फिर -1 के लिए वो आई लिख लेगा, क्योंकि तो -1 आई स्क्वायर होता है रूट से हटेगा, तो आई सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो। अब मल्टीप्लाई करो तो 2 × 3 6 हो गया और ये आई स्क्वायर हो गया। अब आई स्क्वायर का वैल्यू शुरू में स्क्रीन पे क्या लिखे हैं, इसका वैल्यू -1 होता है, तो ये -6 आ गया, ठीक है। LHS में जो क्वांटिटी तुम्हारी मिली वो अब -6 के बराबर मिली। अब तुम लोग क्या करो RHS को सॉल्व करना, ठीक है। तो RHS मतलब क्या, इधर कहता है ये रूट ए बी ऐसे हो जाएगा, मतलब रूट ओवर -4 इंटू -9 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते ये -36 के बजाय अब यहाँ +36 हो जाएगा। ध्यान देना है -4 इंटू -9, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई जब होता है आपस में तो यहाँ प्लस हो जाता है, ये +36 के बराबर हो जाएगा। तो +36 का स्क्वायर रूट लोगे तो सिंपली 6 आएगा। ध्यान रखना ये सब पॉजिटिव स्क्वायर रूट की चर्चा हो रही है, तो रूट ओवर 36 मतलब सिंपली 6, नॉट +-6, +-6 बिल्कुल नहीं लिखना, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब मैं आपसे बोलूँ कि क्या ये -6 और 6 दोनों आपको बराबर दिख रहा है क्या, तो क्लियरली है कि दोनों अलग अलग हो गया, तो
यहाँ पे क्या हो गया, एक आपका +6 आया राइट साइड में और लेफ्ट साइड में -6 आया। तो ये जो रिजल्ट हमारा था यहाँ पे कि √a(a)(b), ये जो रिजल्ट था मैं ऊपर में लिख देता हूँ कि √a(a)(b) √a(b), ये इस केस में आके ट्रू नहीं होके फॉल्स हो गया, यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। कब फॉल्स हो गया, तो व्हेन a<0 एंड b<0। मतलब अगर आप दोनों नंबर निगेटिव चुनाव करते हो तो उस केस में ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता है, ये रिजल्ट फॉल्स हो जाता है। क्लियर? तो अभी तक देखिए, अभी तक के क्लासेज में आपको इस रिजल्ट के बारे में कहीं ये चर्चा नहीं किया गया था कि हाँ ये रिजल्ट गलत भी हो जाता है कहीं पे जाके, क्योंकि उस समय आपको रियल नंबर के अलावा कुछ पढ़ना भी नहीं था। अभी आप 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, इमेजिनरी नंबर के बारे में 11th क्लास में पढ़ते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आपको बताया जाता है कि √a(b) जो आप लिखते हैं √a(√b), तो ये रिजल्ट गलत हो जाता है अगर ए और बी दोनों नंबर एक साथ आप निगेटिव लेंगे, तो उस केस में ये रिजल्ट वहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियरली इसको याद रखना, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझा दिया। अब सिंपली मैं रिजल्ट लिख देता हूँ और उस रिजल्ट को सिंपली आपको याद करके रखना है। और छोटे क्लास में क्यों नहीं बताया जाता है कि कहाँ पे ये रिजल्ट फॉल्स होगा, उसका कारण भी आपको समझ में आ गया होगा। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट में याद रखना है कि √a(√b)√a(b) इज ट्रू, ये सही है ना, ये सही है ओनली वेन, मैं लिखता हूँ आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, एटलीस्ट वन ऑफ द गिवन नंबर इज आइदर पॉजिटिव और जीरो। देखिए मैंने एक रिजल्ट लिख दिया कि भाई √a(√b) इज इक्वल टू √ab, ये आपको ट्रू होगा, सही होगा। किस केस में? जब कहता है एटलीस्ट वन ऑफ द गिवन नंबर, एटलीस्ट कम से कम एक, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या जीरो होना चाहिए। जीरो होगा तभी भी ये रिजल्ट ट्रू होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि प्रोडक्ट वाला मामला है तो जीरो होगा तो ऑटोमेटिकली उसको वो जीरो कर देगा, इसलिए जीरो पे मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं लिया है। आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि भाई या क्या होगा, ए और बी जो दोनों नंबर है उसमें से क्या कहता है, एटलीस्ट वन ऑफ द गिवन नंबर इज आइदर पॉजिटिव और जीरो, मतलब कोई एक नंबर पॉजिटिव आपका होना चाहिए, मतलब ए और बी में कोई एक पॉजिटिव, आइदर ए पॉजिटिव हो जाए या बी पॉजिटिव हो जाए या फिर दोनों पॉजिटिव हो जाए, मतलब बोथ कैन नॉट बी निगेटिव साइमल्टेनियसली, मतलब यहाँ रिमार्क के तौर पे आप लिख सकते हैं बोथ ए एंड बी कांट बी निगेटिव साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ ए और बी को हमको निगेटिव नहीं लेना है। तो स्पष्ट हो रहा होगा आपको। अब जैसे चलिए इस पे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा तो किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो हमको एक क्वेश्चन आ गया कि भैया इसको सॉल्व करो, √-25 इंटू √-49। तो तुम लोग जल्दबाजी में ऐसे मत कर देना कि हाँ चलो अंदर लेके मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 25 × 49 और 5 × 7 करके 35। अगर ऐसे लिख दोगे तो तुम्हारा रिजल्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट ऊपर पढ़ाई हुआ है कि बोथ ए एंड बी कैन नॉट बी निगेटिव साइमल्टेनियसली। एक साथ आप निगेटिव नहीं ले सकते हो, तब क्या होगा, तब ये रिजल्ट इस तरीके से होल्ड हमारा नहीं करेगा। तो ये रिजल्ट इस तरीके से होल्ड नहीं करेगा तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हम लोग को आना पड़ेगा इसको कि भाई थोड़ा दूसरे ढंग से सॉल्व करना होगा। चलो यहाँ आई का हेल्प ले लो, सिंपली √-25 को आप क्या लिखोगे, तो सबको पता है 25 i² हो जाएगा × 49, तो 49 माइनस है तो i² हो जाएगा, 25 मतलब 5 हो जाएगा i, और इंटू यहाँ पे 7 i हो जाएगा, 5 × 7 कर दिए 35 i² हो गया, ये 35 × -1 ले लिए, माइनस आपका 35 हो गया। क्लियर, तो ये आपका सही आंसर होगा, +35 आपका गलत आंसर होगा। ये क्लियर हो रहा होगा सब आदमी को।
आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या सपोज करो सिर्फ -25 के बारे में अगर सोचोगे तो -25 को -1 × 25 समझ लो, इसको √-49 को -1 × 49 समझ लो। अब चलो देखो, अब -1 × 25 के बारे में अगर विचार करोगे तो -1 × 25 में अगर सपोज करो ये -1 तुम्हारा ए है और 25 तुम्हारा बी है, अगर अलग अलग दो नंबर समझ लो तो एक नंबर तो इसमें पॉजिटिव है ही, तो यहाँ पे ये रूल जो हमारा होगा √a × √b इज इक्वल टू रूट के अंदर a × b, ये ट्रू होगा इस केस में, फिर एज वेल एज ट्रू होगा इस केस में क्योंकि कोई एक नंबर हमारा पॉजिटिव है। इसको हम चाहेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पर √-1 × √25, फिर इसको √-1 × √49 लिख सकते हैं और ये हमारा आई हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और फिर इंटू हमारा कितना आ जाएगा, आई हो जाएगा 7 हो जाएगा, दो बार आई और आई मल्टीप्लाई होगा, आई स्क्वायर 35 हो जाएगा, मतलब -35 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों आपका सही है, लेकिन +35 जब अगर आप लिखोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा कि √a × √b कब फॉल्स हो जाता है, तो जब दोनों क्वांटिटी एक साथ आप निगेटिव ले लोगे तब निश्चित तौर से ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आयोटा से रिलेटेड हम प्रॉपर्टीज ये सब हम लोगों ने स्टडी किए और आयोटा से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसको भी मैंने बनाया, √a × √b आयोटा से रिलेटेड प्रॉपर्टी को जैसे कहाँ गलत हो जाता है उसको भी मैंने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम लोग, चलो जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर आप डिफाइन करते हो, कैसे बोला जाता है रेशनल नंबर डिफाइन करो, तो आप लोग बोलते हैं ना 10th क्लास में नंबर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p और q आर इंटीजर्स एंड q ≠ 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो चलो वो रेशनल नंबर का डिफिनेशन हो गया। तो जैसे एक नंबर इंट्रोड्यूस करते हो वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर एक नया नंबर है और इसको कैसे इंट्रोड्यूस करना है, तो कहता है नंबर ऑफ द फॉर्म, एक नंबर जिसका कैसा हम फॉर्म ले सकते हैं, तो कहते हैं नंबर ऑफ द फॉर्म a+ib, ib मतलब i फॉर आयोटा, तो a+ib फॉर्मेट का कोई भी नंबर वो हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। नंबर ऑफ द फॉर्म a+ib इज कॉल्ड, ये कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे हो जाएगा जहाँ, अब आपको बात करना है कि ए और बी क्या है, वेयर आपके मन में हुआ कि भाई ए और बी क्या है, तो वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, हमारा ए और बी क्या है, तो ये रियल नंबर्स है ना, और साथ ही साथ आप आई के बारे में बात कर लोगे तो भाई आई क्या है, तो आई हमारा ऑलरेडी हम आयोटा पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वही सेम सिंबल है और वह सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, √-1 को रिप्रेजेंट करता है। एक चीज आप लोग दिमाग में हमेशा रखिएगा कि आई क्या है, आई कोई नंबर नहीं है, आई एक सिंबल है और वो सिंबल √-1 को रिप्रेजेंट करता है, ये माइंड में आप लोग सब आदमी रखिए, ठीक है। अब चलिए, अब कहता है तो a+ib फॉर्मेट का कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, जहाँ ए और बी कोई भी आप रियल नंबर ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके मन में होगा भाई कैसे क्या हो सकता है, कहीं पे लिखा मान लो 3+i4, ठीक है, तो देखो 3+i4 ऐसे भी लोग लिखते हैं या 3+4i ऐसे भी आप लिखते हैं, ठीक है, दोनों तरीका होता है, तो आप जैसे अडॉप्ट करो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। 3+i4 अगर किसी ने लिखा है तो 3+i4 अब आपका क्या कहलाएगा, तो ये आपका अब कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग को आज से बोलना है, ठीक है। जैसे मान लो √3 + 0.2i ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, लाइक आप बोलते हो ½+3/2i ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, आप इस तरीके से बोलते हो −7 − i√5 ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ये सारे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल्स आपके सामने, ठीक है। अब कहता है जैसे सपोज करो नेचुरल नंबर तुम लोग पढ़ते हो, तो पढ़ लेते तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जैसे बोला जाता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को किस चीज से आप डिनोट करते हो, सेट मतलब पूरे नेचुरल नंबर के समूह को, ग्रुप को, इस पूरे ग्रुप को डिनोट करने के लिए हम लोग वहाँ पे कैपिटल एन का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ कहीं भी मैथमेटिक्स में कैपिटल एन लिखा रहता है तो स्टूडेंट को पूरा समझ में आ जाता है कि कैपिटल एन मीन्स नेचुरल नंबर, क्लियर है। तो वैसे ही अगर आप पाओगे तो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर की बात अगर हम लोग कर रहे हैं
कॉम्प्लेक्स नंबर को द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या कर सकते हो, एक पॉइंट याद रखें कि सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज डिनोटेड बाय, अब इसको कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, इज डिनोटेड बाय सी, सी से हम लोग डिनोट करेंगे। तो अब जैसे एन कैपिटल एन से नेचुरल नंबर हो गया, तो वैसे ही कहीं कैपिटल सी लिखा रहेगा, सी लिखा रहेगा, तो आप समझ लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर आपके पास है, ठीक है, ध्यान से सुनना है, कोई नेचुरल नंबर आपके पास है, सपोज करो कोई भी, सपोज करो एक नेचुरल नंबर आपके पास है ना, मान लो कि जैसे फाइव है कोई नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि फाइव नेचुरल नंबर है, क्या इस फाइव नेचुरल नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हो क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट मतलब ए प्लस आई बी फॉर्मेट में, तो देखो कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइव को हम लिख सकते हैं फाइव प्लस आई इंटू जीरो, आप इस तरीके से लिख सकते हो। सोचो तो फाइव को ही लिखा जा सकता है फाइव प्लस आई इंटू जीरो, मतलब सभी नेचुरल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जा सकता है ना। तो अगर सपोज करो ये मैं एक सर्कल बना देता हूँ और मैं कह रहा था ये नेचुरल नंबर का सर्कल है, तो सोचो सारा नेचुरल नंबर को तुम कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ये कह सकते हो कि भाई सभी नेचुरल नंबर, दुनिया के जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, वो सभी क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारा नेचुरल नंबर जो भी आप कह रहे हो, वो सारा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब जैसे मान लो सपोज करो आगे हम बढ़ते हैं, मान लो किसी ने आपको कहा कि सपोज करो ना एक कोई होल नंबर है, लाइक सपोज करो नेचुरल नंबर होल नंबर बहुत फर्क है ना, जीरो सिर्फ जीरो आपका एडिशनल होल नंबर में आ जाता है। तो मान लो कहीं पर जीरो लिखा हो, तो कोई कहे कि आप जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर में ए प्लस आई बी फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हो क्या? देखो मैं करके दिखाता हूँ, जीरो प्लस आई इंटू जीरो है ना, तो आयोटा जीरो, जीरो प्लस आयोटा जीरो अगर आप लिख लो तो जीरो को रिप्रेजेंट कर दिया, बाकी सारे नेचुरल नंबर होल नंबर दोनों सेम टू सेम होते हैं जीरो छोड़कर, तो जीरो एडिशनल होल नंबर में आपका जाता है। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि जितना सारा होल नंबर है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो सकता है। उसी तरीके से अगर आप सोचोगे तो अब कोई भी नंबर ले लो, लाइक कोई इंटीजर ले लो, माइनस थ्री है, एक इंटीजर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस थ्री प्लस आई इंटू जीरो। आगे बढ़ जाओ, कोई रैशनल नंबर है, लाइक सपोज करो फाइव बाई सेवन है, तो आप इसको लिख सकते हो फाइव बाई सेवन प्लस आई इंटू जीरो। आगे बढ़ जाओ, चलो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर भी आपने पढ़ा है, लाइक अब आपका रूट थ्री हो गया, तो रूट थ्री को भी आप लिख सकते हो रूट थ्री प्लस आई इंटू जीरो, है कि नहीं। तो कहने का मतलब रैशनल इरेशनल है ना, फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर, होल नंबर, मतलब ये पूरा रियल नंबर जो भी आपने अभी तक नंबर पढ़ाई किया है जिसका स्क्वायर निगेटिव के बराबर नहीं होता है, तो वो सभी नंबर को आप क्या बोलते हो, रियल नंबर बोलते हैं। तो मतलब नटसेल में अगर हम आके बात करें तो कोई भी रियल नंबर को अगर आप चाहोगे तो फिर दुनिया के कोई भी रियल नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में, एक्स प्लस आई बी के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हो। मतलब यहाँ से तुम्हें कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे कंक्लूजन बाई ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब ये क्या हुआ भाई, अभी सभी नंबर का बॉस आ गया, सबका बिग बॉस हो गया। तो ये जो अभी आप कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आप पढ़ाई किए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, ये सभी नंबर का बिग बॉस बन गया। कैसे बिग बॉस बन गया भाई, रियल नंबर के ऊपर भी ये चला गया। जैसे आप जनरली क्लास टेन तक सपोज करिए, अगर आप नंबर सिस्टम का अगर आप सर्कल में या फ्लो चार्ट बना के अगर आप पढ़ते थे, तो उसमें कुछ इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते थे। जैसे देखिए सपोज करिए कि आप इस तरीके से आप लिखते थे कि चलो ये मेरा नेचुरल नंबर हो गया, फिर इसके ऊपर गए तो आप क्या हो गया, ये होल नंबर हो गया, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आया, फिर इसको ऊपर आप चले गए तो सपोज करो ये मेरा इंटीजर हो गया है ना, फिर इंटीजर के ऊपर आप गए तो सपोज करो ये मैं बना देता हूँ उस तरीके से, लाइक इसमें रैशनल और इरेशनल नंबर में मिला देता हूँ, ये चलो मेरा ये रियल नंबर ऐसे आ गया, ठीक है। तो रियल नंबर के अंडर में ये सारे अभी आपके आ गए। अब आप कह सकते हैं कि ये सारा नंबर ना, ये टोटल नंबर में आपका क्या हो जाता है, तो ये टोटल नंबर का यहाँ पे बिग बॉस आ गया। यहाँ पे देखिए बड़ा सा सर्कल बना देते हैं, और मैंने इसको कह दिया कि ये क्या बन गया भाई, ये जो आपका सर्कल बन गया, ये सबसे ऊपर हम लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में ही सारा नंबर आपका आ जाता है।
ये आपको जान के आश्चर्य भी होगा कि भाई ऐसा भी हो सकता था, नहीं सोचे थे, है ना। तब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंडर में क्यों आ जाएगा? क्योंकि कोई भी नंबर आप ले लो, उसको आप ए प्लस आई वी फॉर्मेट में लिख सकते हो। इसे लिखने की वजह से सारे नंबर का बिग बॉस कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब आ जाओ। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि चलो ये बात हो गई कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या हुआ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हम लोगों ने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप कह रहे हो तो ए प्लस आई बी फॉर्मेट में एक्सप्रेस होने वाला है कोई भी नंबर आपका क्या कहलाएगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। क्लियर है? इसके बाद से हम लोग क्या आ गए, इसके बाद से हम लोग आए कि भाई ए और बी जो ये दोनों नंबर है वो नंबर क्या है, ये दोनों कोई भी रियल नंबर आपका हो सकता है। आई आपका क्या है, आई ऑलरेडी आयोटा सिंबल है जिसका वैल्यू रूट ओवर माइनस वन के बराबर हो। अब पता है यूजुअली कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट के लिए हम लोग जेड सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, डिनोटेड बाई। तो ये नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, यूजुअली कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाई जेड, दैट इज, अब आप लिख लो जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। अब ए प्लस आई बी बोल के कोई भी नंबर अगर तुमको मिलेगा तो उसको तुम जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको दिमाग में रखना है। अब हमको तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है तो लाइक जेड से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर हमको मिलेगा तो उसको हम जेड वन, जेड टू, जेड थ्री इस तरीके से भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आइए। अब इसमें कहता है क्या कि जैसे अगर आप इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप रिप्रेजेंट कर लेते हो जेड सिंबल से, तो यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कि भाई इसमें आपने ना जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी जो लिख लिया, जिसमें ए और बी रियल नंबर तो है, ठीक है, लेकिन इसमें एक टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड। चलो तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो गया, तो कहता है रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको आपने जेड से डिनोट किया है। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जेड को भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो रिटेन एज इसको लिखा जाता है आर ई ब्रैकेट जेड, है ना। तो अब चलिए अब ऊपर वाले एग्जांपल में अगर हम आपसे पूछे कि ए प्लस आई बी में रियल पार्ट ऑफ जेड कौन है, तो कहता है रियल पार्ट ऑफ जेड को पहचानने के लिए आई बी वाला पार्ट छोड़ देना है। आई बी वाला पार्ट जैसे भूल जाओगे, आई बी वाला पार्ट क्या करो, भूल जाओ भाई, देखो जो रेड से मार्क कर अब इसको भूल जाओ, तो बचा हुआ ए जो बच गया आपका वो ए कहता है ये आपका रियल पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा। तो दैट इज, कहने का मतलब क्या हुआ, रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू ए। क्लियर? तो रियल पार्ट ऑफ जेड आपका क्या हो जाता है, उसको आपको आई वाला पार्ट छोड़ के जो बचा हुआ वैल्यू इधर आपका बच गया ए, वो आपका रियल पार्ट ऑफ जेड कहलाता है। तो वैसे ही एक टर्म और आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट में लिखेंगे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अगर आप लिखोगे तो इसी को रिटेन एज कैसे हम लोग रिटेन कैसे लिखते हैं हम लोग, तो कहता है रिटेन एज, इसको लिखिए आप शॉर्टकट में आई एम ब्रैकेट में जेड, दैट इज, कहने का मतलब क्या हुआ, आई एम ब्रैकेट में जेड इज इक्वल टू क्या होगा। अब चलिए इमेजिनरी पार्ट पे आप फोकस करिएगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप ए प्लस आई बी फॉर्मेट कर लेते हो, देखो मैं राइट साइड में लिख रहा हूँ, ए प्लस आई बी फॉर्मेट का अगर आप लेते हो तो जनरली लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि रियल पार्ट ऑफ जेड के लिए आई बी को छोड़ दिया तो ए हमारा रियल पार्ट बन गया। तो लोगों को लगता है अब इमेजिनरी पार्ट की जब बात चलेगी तो हमको ए को छोड़ देना होगा तो ये पूरा आई बी इमेजिनरी हो जाएगा, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का मतलब होता है आई बी में आई को छोड़ने के बाद अब वहां पे क्या आपका बच गया वो आपको इमेजिनरी पार्ट होगा। ध्यान से सुनिएगा, आई बी जो आपने लिखा है उसमें आई को छोड़ने के बाद यहाँ जो नंबर बचेगा वो नंबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कहलाएगा। मतलब आई को आप छोड़ दोगे तो सिर्फ बी बचेगा और यहाँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के बदले में यहाँ पे बी लिखेंगे। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का ये डिफिनेशन हो गया। अब चलिए एग्जाम्पल के तौर पर आपके मन में आया कि भाई क्या हो सकता है, एग्जाम्पल से बात जल्दी समझ में आ जाता है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल पर बात करेंगे। पूरा का पूरा क्लास इम्पॉर्टेंट है, हर लाइन इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सब कुछ सुनना है। ठीक है, तो अब इसमें आप आओगे, 1 मिनट भी आपको स्किप नहीं करना है। एग्जाम्पल में चलिए, मान लो कि लेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड,
इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस टू आई, सपोज मैंने ऐसे लिख लिया, या आई टू ऐसे लिख लो, आयोटा टू। तो अब चलो, अब क्या कहता है, माइनस थ्री प्लस आयोटा टू, मान लो ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। अब आ जाओ, अब आपको कोई कहता है इसका रियल पार्ट ऑफ जेड लिखो। रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब क्या करना है, मैंने क्या समझा, आई वाला पार्ट आप छोड़ दीजिए तो वो आपको रियल पार्ट ऑफ जेड हो गया। देखो ये माइनस थ्री आपको जो हो गया वो रियल पार्ट ऑफ जेड हो गया, क्लियर हो रहा होगा सबको। यहाँ मैंने लिख दिया माइनस थ्री, एंड चलो नेक्स्ट आ जाते हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के बदले में क्या समझा कि भाई देखो आई बी वाला जो भी फॉर्मेट उसमें आई छोड़ना है आपको, आई लेके नहीं लिखना। जैसे आई टू आपने लिखा है तो उसमें क्या करो, उसमें क्या बोले हम, उस आई को छोड़ दो। अब आई को छोड़ने के बाद क्या नंबर बन जाएगा, आई टू में अगर आप आई छोड़ दोगे भाई तो सबको समझ में आ जाएगा कि भाई आई जब छोड़ दोगे सिर्फ टू बचेगा, ये हमारा टू जो हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू हम आंसर में लिख लेंगे, रियल पार्ट ऑफ जेड के लिए माइनस थ्री हम लिख लेंगे आंसर में। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कोई जेड हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कोई हमारा जेड बोल के कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये टू प्लस आई जीरो है आपका, आई जीरो बोल के लिख दिया, ठीक है। आई जीरो बोल के लिख दिया तो यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड में जाओ तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों हो गया, आई वाला को छोड़ दोगे तो जीरो ही सिर्फ बचेगा, ठीक है। तो इसमें इमेजिनरी पार्ट गया, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। इंपॉर्टेंट चीज भाई, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट ही जीरो हो गया तो उसमें तो सिर्फ रियल पार्ट बचता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक स्पेशल नाम भी है, इसके लिए हम एक स्पेशल नाम दे देंगे इसको, इसको बोल देंगे इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको बोल देना है प्योरली रियल। देखो अगर इमेजिनरी पार्ट आपका अगर जीरो हो गया तो वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोल देना है, प्योरली रियल। ये आपका है प्योरली रियल, ये प्योरली रियल कहलाएगा अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे और भी आप ले सकते हो, सपोज करो किसी ने कहा कि रूट थ्री प्लस आई इंटू जीरो, तो देखो इसका भी इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है, इसलिए आपका सिर्फ रूट थ्री मच रहा रियल वाला पार्ट, तो ये प्योरली रियल कहलाएगा, क्लियर है। फिर चलो कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं, नेक्स्ट में हम लोग आएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या आता है कि सपोज करो एक जेड आपने लिया है, ये जीरो प्लस आई रूट थ्री कुछ इस तरीके का है आपको। तो चलो अब इसका रियल पार्ट हम लोग लिखते हैं, देन रियल पार्ट ऑफ जेड ये तो जीरो है भाई, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आई छोड़ के क्या बचा, रूट थ्री बच गया। तो यहाँ पे अब फिर फोकस करना है, पिछले वाले एग्जाम्पल में इमेजिनरी पार्ट जीरो था मेरा, और इस वाले एग्जाम्पल में क्या हो गया, इसमें ना रियल पार्ट मेरा जीरो है, ये रियल पार्ट जीरो। तो पिछले वाले एग्जाम्पल में इमेजिनरी पार्ट जब जीरो था तो उसको मैंने प्योरली रियल कह दिया। अब जरा सोचो इसमें अगर रियल पार्ट ही जीरो हो गया तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बचा, तो इधर अगर हम प्योरली रियल बोले थे तो इधर प्योरली इमेजिनरी बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको अगर आप चाहोगे तो इसको आप लिख सकते हो ऊपर की तरह कि भाई प्योरली इमेजिनरी, ये हमारा क्या हो गया, ये प्योरली इमेजिनरी कहलाने लगेगा क्योंकि इसमें रियल पार्ट आपका जीरो हो गया, क्लियर है। फिर चलिए अब एक और एग्जाम्पल लास्ट हम लोग लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल मेरा होगा यहाँ पे एक और कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग देखते हैं कि चलो एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है जो कि सिंपली जीरो है, जीरो मतलब जीरो प्लस आई जीरो है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा लोग बोलेगा कि देन सर इसमें तो रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट भी जीरो, इसमें तो रियल पार्ट भी जीरो है इमेजिनरी पार्ट भी जीरो है। अभी ऊपर हम लोग बोल रहे थे कि रियल पार्ट अगर जीरो होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, रियल पार्ट जीरो है तो इमेजिनरी सिर्फ बचा है तो प्योरली इमेजिनरी कहला गया, और अगर आपने बोल दिया इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो वो आपका ना प्योरली रियल हो गया। यहाँ पे आप क्या बोलोगे, जब आपका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों जीरो हो जाएगा, तो भाई रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट जब दोनों जीरो है तो ये प्योरली रियल भी है, ये प्योरली इमेजिनरी भी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको क्या बोल देना है, ये आपका है प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी। मतलब ये स्पेशली आप याद रखिएगा कि ये जीरो क्या है, जीरो जो सिंपली नंबर होता है, मतलब इसको आप नोट में आप लिख भी सकते हो, याद भी रख सकते हो कि जीरो प्लस आई जीरो जो आपका नंबर होता है इज प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी।
प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी। तो जीरो ही एक ऐसा नंबर होता है जो प्योरली रियल होने के साथ साथ प्योरली इमेजिनरी भी होता है। ये दोनों चीज आप इसमें लागू कर सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन। चलिए थोड़ा सा रिकॉल फटाफट करिए। आपने पढ़ा कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी है, उसका डिफिनीशन हो गया कि उसको ए प्लस आई बी फॉर्मेट से डिफाइन करना है। पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको डिनोट करना है किस चीज़ से, इसको सी सिंबल से डिनोट करना है। ठीक है? उसके बाद क्या आपने पढ़ा कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर ना बिग बॉस से सभी नंबर का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में ही सभी नंबर सब आएंगे, रियल नंबर जो भी होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में आ जाएगा। तो उसको सेट थ्योरी आप आगे पढ़िएगा तो उसमें हम लोग सेट थ्योरी में हम लोग कह सकते हैं रियल नंबर से सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बाद की बात, लेकिन अभी आप समझ लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर सभी रियल नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा है इसमें कि भाई ए प्लस आई बी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यूजुअली इसको जेड से हम लोग डिनोट करते हैं। तो जेड इज इक्वल टू ए बाई ए प्लस आई बी करके लिखना है। यहाँ पर ए और बी दोनों क्या होगा, तो ये दोनों कोई ना कोई रियल नंबर्स होगा। आई जो आयोटा सिंबल है इसका वैल्यू रूट ओवर माइनस वन हो जाएगा। फिर मैंने आपको क्या समझाया, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो इसमें एक रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब ए हो जाएगा, और दूसरा इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू बी हो जाएगा। और दिमाग में रखना है कि इमेजिनरी पार्ट जो आपका बी हो जाएगा उसमें आई कतई नहीं साथ में लिखना, आई बी को इमेजिनरी पार्ट नहीं बोलना है। आई को हटाने के बाद जो बचा हुआ नंबर आता है वो आपका इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। अब दो बात आप ध्यान में रखिएगा, देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लिखते हैं ना इस तरीके से ए प्लस आई बी बोल के, ये ए प्लस आई बी बोल के जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं तो सिंपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन हुआ। जैसे आप रियल नंबर, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर को डिफाइन करते हैं, तो वैसे ही ना कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आई बी से हम लोग डिफाइन करते हैं। अब इसमें दो बात दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, पहला आई क्या है, तो आई एक सिंपली एक सिंबल है। आई क्या है, तो आई एक सिंबल है जिसका वैल्यू माइनस रूट ओवर माइनस वन होता है, इसको आयोटा बोलते हैं। और सेकंड आप याद रखना कि ए प्लस आई बी जो है ये पूरा मतलब एक नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। बहुत से मैंने बच्चा उसको प्लस जोड़ने वाले सेंस में लो ले लेता है, तो यहाँ प्लस जोड़ने वाले सेंस में नहीं होता है इसमें। फर्दर फिर जब मैं आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन, गॉसियन प्लेन या आर्गन प्लेन जब हम पढ़ाएंगे उस समय हम आपको बताएंगे, लाइक कहीं पर लिखा हुआ है 2 + 3i, इसका मतलब ये होता है एक्स एक्सिस पर आप चले जाओ 1 2, इधर वाई एक्सिस पर आप चले जाओ 1 2 3, तो यहाँ 2 3 बोल के जो पॉइंट तुमको मिलेगा इस पॉइंट को कॉम्प्लेक्स प्लेन में, इस पॉइंट को, ये पॉइंट जिस पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है 2, 3 को, वही पोजीशन तुमको जो है सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 + 3i क्या हुआ, मतलब एक ए प्लस आई बी क्या हुआ, ए प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा। इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? चलिए, तो रियल पार्ट ऑफ जेड के बारे में बता दिया कि रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब आई बी वाला छोड़ के जो बचा हुआ वो रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट के बारे में आपको बता दिया कि आई छोड़ के जो उसका बचा हुआ होगा वो इमेजिनरी पार्ट है। फिर आगे आपको क्या बताया, अगर रियल पार्ट जीरो हो जाता है, मतलब इसको इस तरीके से हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, ए प्लस आई बी में अगर एफ आर ई जेड रियल पार्ट जीरो हो गया तो वो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कहलाने लगेगा। क्लियर है? प्योरली इमेजिनरी कहलाने लगेगा। और दूसरा आपने क्या देखा, इफ इमेजिनरी पार्ट इसका जीरो हो गया तो आपका जेड कॉम्प्लेक्स नंबर इस केस में प्योरली आपका रियल कहलाने लगेगा। और एक और तीसरा केस आपको बताया कि अगर आपका जेड सिंपली जीरो हो गया, मतलब 0 + 0i हो गया करके बोल के, तो ये इस केस में जेड को क्या बोलना है, यहाँ पे प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी बोलना है। ठीक है? यहाँ तक इतनी पढ़ाई हमारी हो गई, इतनी बातें कंप्लीट हो गई हमारी। इस तरीके से हमको कॉम्प्लेक्स नंबर में सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करना, इस तरीके से इसको बोलना है। ठीक है? अब आइए, अब कहता है क्या कि सपोज करो मेरे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो 2 + 3i है, और एक कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 7 + 5i मान लो। अब मैं आपको बोलूँ क्या ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इक्वल दिख रहा है क्या, तो अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ना इक्वल में कब कहा जाता है, भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर कब हो सकते हैं।
जैसे आप कैसे बोलते उधर नंबर में 5 इज इक्वल टू 5, तो 5 इज इक्वल टू 5 तो वहां पे मतलब आपको समझ में आता है कि 5 इज इक्वल टू 5 तो मतलब क्या है। वैसे ही 2 प्लस 3 i और 7 प्लस 5 i अगर बोल दिया गया बराबर है तो किस आधार पे बराबर होगा या नहीं होगा इसको हमको डिफाइन करना है। तो कहता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप आपस में बराबर कहते हो, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम बोलते हैं, तो कहता है कि इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसमें अगर आप आओगे तो चलो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप आपस में बराबर कब कहोगे? तो कहता है दैट इज, कहने का मतलब क्या, मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप Z1 इज इक्वल टू Z2 आप कब कहते हो? ये कहता है ये पॉसिबल तब होता है अगर आप पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट एंड पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट सॉरी पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट एंड पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गया देन उस केस में सिर्फ हम लोग बोलेंगे ये Z1 और Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको कोई इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है कि एक्स और वाई सॉल्व करके निकालो अगर ये इसके बराबर है ना, इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे दे सकता है, लाइक एक्स प्लस टू प्लस आई इंटू वाई माइनस वन इज इक्वल टू 3 प्लस आई इंटू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ऐसे आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर सिंपली हम लिख रहे थे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने क्या किया ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप आपस में बराबर कर दिए। तो जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप आपस में बराबर किए हैं तो अभी आप रूल क्या पढ़े हैं, भाई ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में बराबर है इसका रियल पार्ट मतलब एक्स प्लस टू ये रियल पार्ट और यहाँ का 3 ये दोनों आपस में इक्वल हो जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 क्या होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट, तो पहले का इमेजिनरी पार्ट पे चले आओ तो वाई माइनस वन और इधर का इमेजिनरी पार्ट 4, तो ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए तभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इक्वल कह सकते हो। उस केस में जब आप आ जाओगे तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि हमारा एक्स प्लस टू, नेचुरली सब बच्चे लोग को समझ में आ भी गया होगा कि भाई अगर ऐसा हम लोग बोल रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि ये जो एक्स प्लस टू है हमारा है वो एक्स प्लस टू किसके बराबर हो जाएगा, तो 3 के बराबर हो जाएगा। और ये जो वाई माइनस वन आप देख रहे हो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है सो 4 के बराबर हो जाएगा। तब आप सोचो अगर ये एक्स प्लस टू हमारा ये यहाँ पे एक्स प्लस टू और 3 के बराबर हो जाता है, यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कि हमारा वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे आप अगला स्टेप में लिख सकते हो कि एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 3 एंड वाई माइनस वन इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 4। अब आपके सामने दो इक्वेशन है और दो अननोन है, दोनों को सॉल्व करो आंसर पाओ, है ना। तो क्लियरली इस तरीके से ये बात समझ में आ जाएगी। कोई अगर आपको इस तरीके से कह देता है कि भाई Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई डी के बराबर है और Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है या c प्लस आई डी के बराबर है ना, देन Z1 इज इक्वल टू Z2 मेरा कब होगा, तो सिंपल ऊपर वाला डिफिनेशन हो गया है कि नहीं। तो आप क्या बोलोगे कि भाई रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, अगर ऐसा हो गया तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग को उसको लिखना है। वो कितना बात सबको समझ में आ गया होगा, है ना। सिंपल क्लास में कोई दाएं बाएं हम लोग बात नहीं करेंगे, टोटल कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करेंगे। फटाफट बात को ध्यान से सुनते चलना है, काफी आपका क्लास प्रोडक्टिव होने वाला है ये। अब चलिए, अब कहता है क्या कि देखिए दो टर्म हम सिंपली डिफाइन करेंगे और इसको डिटेल में हम चर्चा करेंगे इस पे एक एक का कि भाई क्या होता है। जैसे सपोज करो एक मैंने मैं जा रहा हूँ आपको डिफाइन करने की कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आप कैसे निकालते हो, ठीक है। और देखो ये कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम आपको बोले हैं तो कॉन्जुगेट पे ना मेरा एक स्पेशल पूरा क्लास होगा एक दिन, ये दिमाग में रखिए। मतलब कॉन्जुगेट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, क्या क्या हो सकता है ना, इसको पूरा का पूरा क्लास बनेगा, ऐसा नहीं कि छोटा टॉपिक नहीं है। और दूसरा
एक और एडजस्ट हम आगे डिफिनेशन लिखेंगे मॉड्यूलस, उस मॉड्यूलस पे भी एक मेरा पूरा क्लास होगा। तो इसको अभी हम लोग टाइम लाइक मतलब अभी हमको जितना रिक्वायर्ड है उतना पहले हम लोग जानकारी सिर्फ अभी जुटा लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इस पर स्पेशली एक क्लास करेंगे कंजुगेट का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ कंजुगेट को काफ़ी सिंपल तरीके से आपको समझा रहे हैं। अगर मान लो इफ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है ए प्लस आई बी, मतलब जेड बोल के जेड इज इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि ए प्लस आई बी के बराबर है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करो आपके पास है, वो किसके बराबर है, तो ये ए प्लस आई बी के बराबर है, क्लियर है। तो इसका कॉन्जुगेट कैसे निकलता है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन कहता है कॉन्जुगेट हम कैसे निकालेंगे। तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड की जब बात हम लोग करते हैं तो सिंपल इसका ट्रिक समझो, देखो रिप्लेस आई, आयोटा को रिप्लेस कर देना है बाई माइनस आई, माइनस आयोटा, बस सिंपल ये ट्रिक याद रखना है जो बगल में हम हाईलाइट कर रहे हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जब आपसे पूछा जाए तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा सिंबल जो आई होता है उस आई को माइनस आई से सिंपली आपको रिप्लेस कर देना है, क्लियर हो रहा है। अब चलिए तो कहता है देन कॉन्जुगेट ऑफ जेड कैसे निकलेगा, तो ए प्लस आई भी जो हमारा दिखता था तो वहाँ पे ए प्लस इस आई को माइनस आयोटा बी कर देना है, मतलब ये हो गया ए माइनस आयोटा बी, ठीक है। तो ए माइनस आयोटा बी जो हो जाएगा वो कहलाने लगेगा क्या, तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड, मतलब जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था इसका सिंपली ये कॉन्जुगेट हो गया। और कॉन्जुगेट को कैसे हम डिनोट करते हैं, तो यूजुअली कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज डिनोटेड बाई, इसको हम डिनोट करेंगे जेड बार, जेड बार से हम डिनोट करेंगे, है कि नहीं। तो कहीं जेड लिखा हुआ है और बगल में जेड बार लिखा जाएगा तो तुम लोग को क्या समझना है, उसका हम लोग कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं, वेरी सिंपल है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है जेड इज इक्वल टू फाइव प्लस थ्री आई, देन चलो अब जेड बार निकाल लो कॉन्जुगेट, ये कहता है फाइव प्लस थ्री जो आई है उसको माइनस आई से रिप्लेस कर दो, तो फाइव सॉरी प्लस फाइव और ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस आई थ्री, ये तुम्हारा कॉन्जुगेट बन के रेडी हो गया। देखो कितना सिंपल है पहला एग्जाम्पल। दूसरा आप एग्जाम्पल ले लो, मान लो जेड इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस प्लस आई टू, सपोज करो ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। तो अब देखो अब इसको जेड बार निकालना है, मतलब कॉन्जुगेट निकालना है, देन जेड बार का मतलब सबको समझ में आ गया होगा, आपको सिंपली क्या करना है आई के बदले में माइनस आई रिप्लेस करना है, क्लियर। तो यहाँ पे माइनस आई जैसे रिप्लेस करोगे प्लस माइनस आई टू, मतलब ये बन जाएगा माइनस थ्री माइनस आई टू, है ना। तो ध्यान देना, अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट लोग ना कभी कभी मिस्टेक करता है, मैं देखता हूँ जनरली माइनस थ्री प्लस आई टू लिखा हुआ है तो आपको इस आई को सिंपली आई माइनस आई से चेंज करना था, ठीक है। बहुत बच्चा लोग ना माइनस थ्री जो दिख रहा है ना इसको प्लस थ्री कर देता है, तो भाई मैं आपको समझा दूं कि कॉन्जुगेट के लिए आई को सिर्फ माइनस आई करना, बाकी कहाँ क्या है ना उसको नहीं छेड़ना है आपको, है ना। तो उसको छेड़ेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, बहुत बच्चा लोग ना माइनस को प्लस कर दो यार, माइनस थ्री दिख रहा है उसको प्लस थ्री कर दो, ऐसा नहीं करना भाई, ऐसा कर दोगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लिख लो थ्री नंबर, जैसे मान लो जेड इज इक्वल टू है मेरा माइनस थ्री माइनस टू आई, देन अब चलो जेड बार मतलब कॉन्जुगेट, तो माइनस थ्री माइनस जो आई है उसको माइनस आई से रिप्लेस कर दो, है ना। तो फिर क्या रह जाएगा, टू रह जाएगा, तो सोच सकते हो ये क्या बन जाएगा, माइनस थ्री एंड माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है ना, प्लस आई टू या टू आई लिख लो भाई जैसे हो। तो ये तुम्हारा जो नंबर आ गया वो अब आपका कॉन्जुगेट कहलाने लगेगा जेड का, जिसको आपको क्या करना है जेड बार बोल के रिप्रेजेंट करना है। तो कॉन्जुगेट निकालना अभी आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा, कॉन्जुगेट पर डिटेल क्लास होगा एक पूरा, वो हम बताएंगे आपको अलग से, अभी आइए। अब जैसे कॉन्जुगेट अगर आप निकाल ले रहे हो तो कॉन्जुगेट के बाद ना एक डिफिनीशन में और आपको लिख रहा हूँ, वो डिफिनीशन भी आप दिमाग में रखो। जैसे मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ये ना मॉडुलस पहले से भी आप फेमिलियर होइएगा, जैसे आप पहले के क्लास में ऑलरेडी मॉडुलस ऑफ ए नंबर आप निकालते भी होइएगा,
तो चलिए वो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की भी बात कर लेते हैं। ये भी टॉपिक है, ये क्लास अलग से होगा। अभी सिंपल डिफिनेशन हम लिख रहे हैं, इसको अलग से हम बताएंगे कि भाई कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ मॉड ऑफ जो रियल नंबर आप पढ़ते थे, लाइक 5 का मॉडुलस निकालो तो मॉड ऑफ 5, 7 का मॉडुलस निकालो मॉड ऑफ 7, वैसा ही कुछ काम आपको यहाँ भी करना है। तो देखिए उसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, कि अगर मान लो सपोज करो इफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी बोल के कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन कहता है कि मॉड ऑफ जेड, इसका मॉडुलस अगर आप लिखोगे तो इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ जेड का डिफिनेशन सिंपली याद रखना है कि रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे आप सभी बच्चे ध्यान देंगे कि ए हमारा क्या है, ध्यान दो भाई, ए हमारा क्या है कि ये है रियल पार्ट ऑफ जेड, बी हमारा क्या है ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। दैट इज, तुम ऐसे भी कह सकते हो कि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू रूट ओवर रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। क्लियर है? आप जरा देखो रूट ओवर के अंदर में ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पहले भी आप मॉडुलस के बारे में पढ़े होंगे कि मॉडुलस का वैल्यू वो कभी निगेटिव वहाँ नहीं हो मिलता होगा आपको रियल नंबर वाले के केस में। यहाँ भी सेम टू सेम केस है, आप मॉडुलस निकालोगे ये निगेटिव बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको सिंपली याद रखना है कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो मॉड ऑफ जेड होता है ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि मॉडुलस ऑफ जेड कैन नॉट बी निगेटिव। ये मॉडुलस ऑफ जेड आप आगे पढ़ोगे तो आगे पढ़ोगे ये लेंथ को भी रिप्रेजेंट करता है ना। तो यहाँ पे मॉड ऑफ जेड क्या होगा, ये 0 से बड़ा या बराबर होगा, कभी भी आपको माइनस करके नहीं लिखना है यहाँ पे। अब चलो एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो भाई, जैसे सपोज करो 2 प्लस 3 आई, मेरे पास से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है। अब मॉड ऑफ जेड हमको निकालना है, फटाफट विद्यार्थी लोग सॉल्व कर लेगा, रूट ओवर रियल पार्ट 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4 प्लस 9, मतलब ये हो गया √13, यही आपका मॉडुलस हो गया। क्लियर है? अब चलो एक और हम लोग जो ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं मॉडुलस का ही, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे सपोज करिए मान लीजिए हमारे पास जो है सो कहीं पे इस तरीके से दिया हुआ है 3 प्लस 4 आई बोल के कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया हुआ है। ठीक है, देन जरा सोचो अब इसका मॉडुलस निकालना है, तो मॉडल जेड का मतलब क्या हो जाएगा, रूट ओवर रियल पार्ट मतलब 3 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट मतलब 4 का स्क्वायर, ये क्या बन गया 9 प्लस 16 25। तो अभी भी प्लस माइनस मत लिखना जी, सीधे 5 पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, सब पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 25, ओनली 5 नॉट -5। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा मॉडुलस ऑफ जेड निकल गया, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब जरा चले अब इसी क्वेश्चन में अगर हम तुमसे कहें कि भाई ये जो जेड दिया हुआ है इसका तुमने कॉन्जुगेट निकाल लो, मतलब जेड बार निकाल लो, तो जेड बार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है 3 प्लस 4 आई के बदले -i लिख देना है, ये हो जाएगा 3 -i4। क्लियर हो गया? देखो तो जेड बार 3 -i4 हो गया। नाउ अब चले अब अगर आप जेड और जेड बार दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो, अब देखो तुम्हारे मन में ये भी आएगा कि चलो हम लोग नंबर पढ़ते हैं तो पहले सर नंबर जोड़ना सिखाते हैं, घटाना सिखाते हैं, गुना करना सिखाते हैं, भाग करना सिखाते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में कल के क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है। बट अगर आप अभी नहीं पढ़े हैं तो ऐसा नहीं कि आप इसको नहीं बना सकते हैं, उतना आइडिया आपके पास है। जैसे 3 प्लस 4 आई ले लीजिए जेड के बदले में, और जेड बार जस्ट आपको ऊपर निकला है, ये क्या है 3 -4 आई, आपका जस्ट एक यहाँ पे ये वाला चीज आप यहाँ लिख लो। ठीक है, अब अगर ऐसा है तुम्हारे सामने आ गया तो सोचो कोई भी स्टूडेंट कह देगा कि सर ये तो a+b और a-b वाला फॉर्मूला पे जा रहा है, 3 3 a मान लो, अभी बीच वाला प्लस माइनस चेंज हो रहा है तुम्हारा, यहाँ पे 4i या -4i, a+b × a-b वाला फार्मूला अगर सिंपली लगा देते हो तो ये सबको पता होगा। ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करना आपको नहीं सिखाया गया कॉम्प्लेक्स नंबर को तो आपको नहीं आया, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो 3a² मतलब a² - b² तो 4i² आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में आइडेंटिटी भी हम आपको बताएंगे कौन कौन आइडेंटिटी कैसे फॉलो अप होता है।
तो चिंता नहीं करना है, प्रॉपर्टीज एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसको क्या क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा, इसके अलावा क्या क्या आइडेंटिटीज बनेगा, वो सब चर्चा करेंगे। लेकिन अगर नहीं भी कुछ हम जानते कोई बात नहीं, इसको सिंपली ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से ये 9 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 16i² हो जाएगा। जरा देखो और ध्यान से अगर देखो तो 9 - 16i² का वैल्यू -1 होता है, तो 9 + 16 ये आ जाएगा 25। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, z * z̄ जब किया गया, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया गया, तो ये 25 के बराबर हमको मिलने लगा। अब एक चीज आप लोग ऑब्जर्व करिएगा, एक चीज हम हाईलाइट करने जा रहे हैं, जो खुद ब खुद आप लोग देखते कर दीजिएगा क्या हो रहा है। ये जो हमारा 25 आया है, और अभी आपने मोड निकालो यहाँ पे 5, ये देखो बगल में पीछे इसके √25 है। तो ध्यान से देखो, तो वो जो आपने मोड ऑफ जेड जो आप लोगों ने निकाला है, तो मोड ऑफ जेड जो आपने निकाला, चलो इसको रेड कलर से लिखते हैं, तो ये जो √25 आपने लिखा है, तो देखो यहाँ पे मोड ऑफ जेड क्या है, √25 है। जरा सोचो इसका मतलब, मोड ऑफ जेड का स्क्वायर करोगे तो सिंपली 25 हो जाएगा, सोचो स्क्वायर करोगे स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो अब इस चीज को लेके अगर तुम नीचे आ जाओगे यहाँ पे 25 यहाँ जो दिख रहा है तुमको, तो यहाँ से ना एक प्रॉपर्टी के रूप में इसको लिख सकते हो कि जेड किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर उससे कॉन्जुगेट में मल्टीप्लाई कर देने से इसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ऐसा हो भी रहा है जो आपको दिख भी रहा है, भाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिया और इसे कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने से जो हमको रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट में हम लोग क्या देखें, ये मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर हमारा हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे एक रिजल्ट के रूप में आप इसको याद रख सकते हो, इसको यूज भी हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये पढ़ेंगे भी बात प्रॉपर्टी में हम लोग। तो ये हमारा हो गया z·z̄ = mod of z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलो समराइज करते हैं हम लोग, आगे क्या पढ़े कि भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लास्ट में अगर आप आ जाओगे, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ा कि ये +i भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप उसका कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, i को -i से रिप्लेस कर दीजिए, ये उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। चलो समराइज करो, z = a+ib है, तो z̄ कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, i को -i से चेंज करो तो a - ib हो गया। अगला आपने क्या पढ़ा कि मॉडुलस ऑफ जेड आप निकाल सकते हो, तो ये क्या हो जाता है, तो √a² + b² हो जाता है, मॉडुलस का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा। और अभी चलते चलते ये उन्होंने रिजल्ट भी पढ़ा कि z·z̄ कर देने से मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये इतनी बातें जो आप जान गए, ये बहुत ही काम की बातें हैं, इस पर आप आगे के चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा, है कि नहीं? आज आप इतना जो है इसको पढ़िए,